आप सभी को मेरा प्रणाम हर्बल रेमिडीज एंड नेचुरल स्टेजर में आपका स्वागत है मित्रों आज बात करेंगे अड़ूसा की आप इसको अड़ूसा कहिए वासा कहिए या सर्व श्वास रोग हर इस नाम से भी आप इसको पुकार सकते हैं श्वास संबंधित कैसा भी रोग हो उसकी ये अचूक दवा है और इसको अडाटोडा टोढ़ा वसाई का एक फैमिली का ये मेंबर है और कोरोना में हज़ारों लोगों को हमने इसी के माध्यम से रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो प्रॉब्लम हो गई थी सांस लेने में समस्या आ रही थी उसका निराकरण इसी के माध्यम से किया था हज़ारों लोगों को हमने बताया बहुत अच्छे इसके परिणाम आए साथ ही प्लांट के अंदर वैसीसिन और इसके जो फ्लावर्स होते हैं इसके लीव्स होते हैं स्टेम रूट्स सभी उपयोग में आते हैं एस्ट्रागेलिन और बीटा कैरियोफाइलिन इसके अलावा कई पोलिफिनिक कंपाउंड्स और एंटीऑक्सीडेंट्स भी इसके अंदर पाए जाते हैं आज हम इसके जब गुणों की चर्चा करेंगे तो ये बताना बहुत ज़रूरी है अगर रक्त पित्त की समस्या हो तो 10 से 15 एम जूस इसके पत्र का बनाकर और उसमें शहद मिलाकर पीना चाहिए बहुत अच्छा कार्य करता है इसके जो फूल आप देख रहे होंगे इसके फूल के अंदर विभिन्न प्रकार के एंटीऑक्सीडेंट ऑक्सीडेंट कंपाउंड्स और फ्लेवनाइ्स पाए जाते हैं इसका आप अगर गुलकंद बना के रख लेंगे तो किसी भी प्रकार के रेस्पिरेटरी सिस्टम से संबंधित कोई भी डिसऑर्डर हो चाहे ब्रोंकाइटिस की समस्या हो और चाहे पुराने से पुराना जमा हुआ कफ हो उसको यह रिमूवल का कार्य करता है लीवर को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने का कार्य भी करता है लंग्स को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने का कार्य करता है बहुत अच्छा कार्य करता है इसको आप गुलकंद बना के रख सकते हैं अगर त्वचा संबंधित समस्याएं हैं तो आप इनके पत्रों का और थोड़ी सी हल्दी जैसे कि आपने माना 20 पत्ते इसके काउंट करके ले लीजिए 10 ग्राम उसमें हल्दी डाल दीजिए और गोमूत्र में पीस कर त्वचा पे अगर फंजाई के कारण या किसी बैक्टीरिया के कारण कोई ऐसी ग्रोथ हो गई है या इन्फेक्शन हो गया है या दाद खाज खुजली कुछ भी हो आप इसको पीस कर लेप करके लगा दीजिए आप देखेंगे कि चमत्कारी तरीके से तीन से चार दिन के अंदर आसानी से ठीक कर देता है इसके अलावा अगर आमला की समस्या हो जिसको जॉन्डिस भी कहते हैं तो 10 एम जूस आप इसके पत्र का बना लीजिए और पत्र का जूस में आप 10 एम एलोवेरा का जूस मिला लीजिए और दो नग यानी कि दो पीस आप पीपल के मिला लीजिए और उसको पीस के पिला दीजिए दिन में एक बार बहुत रहता है मात्रा किसी भी प्रकार का कामला हो बिगड़ा हुआ कामला हो पुराने से पुराना कामले की समस्या हो सबको ये आसानी से निराकरण करता है बहुत अच्छा ये प्लांट है इसकी एंटी बैक्टीरियल एंटी फंगल एंटी वायरल एक्टिविटीज इसके अंदर पाए जाती हैं और बहुत अच्छा ये अपना कार्य करता है इसकी एंटी फंगल एक्टिविटी तो हमने आपको पहले ही बता चुके हैं स्किन के ऊपर कोई भी प्रॉब्लम हो दाद खाज खुजली सब में बहुत अच्छा कार्य करता है अगर बालों में जू हैं तो इसके पत्र का आप पीस लीजिए और बालों में लगा लीजिए जूँ आराम से आपके बालों को छोड़ देंगे बालों को ये मजबूती भी प्रोवाइड करता है पे फंगल एक्टिविटी हो गई हो उसको भी ये दूर करता है कई बार क्या होता है कि आम खाने का हमें विशेष शौक़ होता है और आम को कार्बाइड से पकाया जाता है तो नेचुरली मैंगो को अगर आपको राइपन करना है तो आप चार पांच पत्ते इसके तोड़ के कच्चे आम के बीच में रख दीजिए तीन से चार दिन में आम नेचुरली पक जाते हैं और किसी भी प्रकार का कोई टॉक्सिसिटी कॉज नहीं करता है जबकि कार्बाइड से पके हुए आम कार्सिनोजेनिक हो जाते हैं और वो अनसेफ होते हैं इसके साथ साथ आपको अगर ऊनी कपड़े या कॉटन के कपड़े कभी स्टोर करके रखना हो तो उसमें आप कपूर की गोलियाँ कुछ इस तरह का अरेंजमेंट करना पड़ता है तो उन सब से भी आपको अगर बचना है तो आप इसके पत्ते रख सकते हैं फिर आपको ना तो कपूर की गोलियों की आवश्यकता पड़ेगी और ना ही आपको कोई डर होगा कि आपके कपड़े कहीं रखने के बाद ख़राब ना हो जाएँ तो इस तरह से यह प्रिजर्वेटिव का भी बहुत अच्छा कार्य करता है प्रोटेक्टेंट का भी कार्य करता है राइपनिंग में भी काम करता है इंसेक्टिसाइडल इसकी एक्टिविटीज़ हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग अगर आप कर रहे हों और आपकी क्रॉप पर पे कोई पेस्ट का अटैक हो गया हो तो पेस्टिसाइड का भी कार्य ये करता है आप इसका घोल बनाइए और टेन टाइम्स डाइल्यूट करके आप उसको स्प्रे कर लीजिए विधिवत जानकारी के लिए आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं अगर ये जानकारी आपको पसंद आए तो साथ ही लाइक शेयर सब्सक्राइब करना चैनल को बिल्कुल नहीं भूलिएगा और आपके जो डाउट्स हैं वो आप हमसे कमेंट्स से या ईमेल के माध्यम से भी संवाद कर सकते हैं इन्हीं बातों के साथ मैं नए प्लांट के साथ फिर आपसे मिलूँगा आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स हमें मिल रहे हैं इन्हीं बातों के साथ मैं आपको प्रणाम करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ प्रणाम धन्यवाद नमस्कार